मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन का एक मशहूर डायलॉग है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिनसे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। अगर इसे अफ्रीकी महाद्वीप की राजनीति के संदर्भ में कहा जाए तो कुछ यूं कहेंगे, नरसंहार, विद्रोह, तख्ता पलट, ये इस महाद्वीप के तीन स्तंभ हैं। ये वो कारक हैं जिनसे यहाँ के लोगों का कल निर्धारित होता है। इस चिरपरिचित स्क्रिप्ट का हालिया मंचन पूर्वी अफ्रीका के देश बुर्किना फासो में हुआ। पहले गोलियों की आवाज सुनाई दी, फिर तस्वीरें दिखी राष्ट्रपति की शत विक्षत गाड़ियों की, फिर पता चला कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना की एक टुकड़ी स्टेट टीवी के दफ्तर पर मौजूद है। फिर खबर आई कि सेना ने संसद और संविधान को भंग कर दिया है, सरकार की जगह पर मिलिट्री हुंटा बिठा दी गई है, और इस तरह तख्तापलट का चक्र पूरा हुआ। आज जानेंगे बुर्किना फासो में तख्तापलट क्यों और कैसे हुआ, बुर्किना फासो का इतिहास क्या है और सैन्य तख्तापलट के प्रमुख ट्रेंड्स क्या हैं। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। Brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं Cuckoo FM। ये एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां आपको अलग अलग विधाओं में सैकड़ों बोलने वाली किताबें मिल जाती हैं। ये भारतीय गणतंत्र को सेलिब्रेट करने का मौसम है। गणतंत्र दिवस के मौके पर Cuckoo FM आपके लिए एक खास ऑफर लेकर आया है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। आपको बस सब्सक्रिप्शन लेते समय इंडिया कोड डालना है। अगर आप भी भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं तो ये ऑफर आपके लिए ही है। ध्यान रहे, ये ऑफर 29 जनवरी 2022 तक ही है। और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंच जाइए। हम लौटते हैं अपने शो की तरफ, जहां बात हो रही थी बुर्किना फासो की। बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। ये पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है। आइवरी कोस्ट, नाइजर, बेनिन, घाना, माली और टोगो इसके पड़ोसी हैं। इतिहास में जाएं तो 11वीं सदी में पहली बार बसाहट शुरू हुई थी। इस इलाके पर अलग अलग साम्राज्यों का नियंत्रण रहा। 1896 में ये इलाका फ्रांस के नियंत्रण में आ गया। उसने यहाँ अपनी कॉलोनी बसाई। जैसे कि परंपरा थी, फ्रांस ने बेहिसाब नरसंहार किया, संसाधन लूटे और अपनी तिजोरी भरता गया। हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में यूरोपीय देशों की लूट के बारे में विस्तार से आपको बताया था। आपको उस एपिसोड का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रांस ने अपने हिसाब से सीमाएं निर्धारित की। उसने इस इलाके को अपर वोल्टा का नाम दे दिया। 1960 में अपर वोल्टा को आजादी मिल गई। मॉरिस योमोगो पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने देश में तानाशाही चलाने की कोशिश की। मॉरिस ने एक दलीय व्यवस्था लागू की। विपक्ष की गुंजाइश खत्म कर दी गई। भ्रष्टाचार चरम पर था। इसके अलावा उन्होंने हड़ताल और धरने पर भी पाबंदी लगा दी। 1965 आते आते आर्थिक मोर्चे पर सरकार पस्त होने लगी थी। इसे निपटने के लिए बजट में भयानक फेरबदल किया गया। खजाना भरने के लिए नौकरीशुदा लोगों की सैलरी घटा दी गई और टैक्स अचानक से बढ़ा दिए गए। इससे नाराज लेबर यूनियंस ने प्रोटेस्ट की धमकी दी। इस धमकी से बलपूर्वक निपटा गया। 30 दिसंबर 1965 को पूरे अपर वोल्टा में हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। इसके बावजूद सरकार की नींद नहीं खुली। सरकार अपनी धुन में मगन थी। 1 जनवरी 1966 को आपातकाल लगा दिया गया। अगले दिन सभी सरकारी इमारतों पर सेना तैनात कर दी गई। सरकारी कर्मचारियों को कहा गया कि अगर हड़ताल पर गए तो अंजाम बुरा होगा। इस धमकी के बाद भी 3 जनवरी को प्रोटेस्ट चालू हुआ। सरकार ने सेना को आदेश दिया, जैसे भी हो इन्हें रास्ते से हटाओ, गोली चलानी पड़े या टैंक दौड़ाना पड़े, करो, हमें लोगों के मरने की परवाह नहीं है। सेना ने इस आदेश को मानने से ही मना कर दिया। उन्होंने प्रोटेस्टर्स पर गोली नहीं चलाई। सरकार सन्न रह गई। राष्ट्रपति को अपने पांव के नीचे खाई दिख रही थी। उन्होंने सेना के अधिकारियों से समझौता करने की कोशिश की। बात नहीं बनी तो मॉरिस रेडियो पर आ गए। रेडियो पर उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता बदल चुकी है। ये अच्छा है कि हमारे नए लीडर को सभी धड़े का समर्थन है। हमें सत्ता छोड़ने का कोई मलाल नहीं है। इस संबोधन के बाद मॉरिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के दो कारण बताए जाते हैं। पहला, जैसा कि मॉरिस ने खुद बताया कि उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए अपना पद छोड़ दिया। दूसरा कारण ये दिया जाता है कि मॉरिस ने अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अबूबकर लमीजाना को मुंह जुबानी आदेश दिया था प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाने का। लमीजाना ने कहा, यह आदेश आप लिख कर दीजिए। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी जुबान ही मेरा आदेश है।
तब लमिजाना ने अपने मातहत काम कर रहे लोगों से संपर्क किया। उनमें से अधिकांश गोलियां बरसाने के खिलाफ थे। फिर लमिजाना ने राष्ट्रपति का आदेश बनने से इनकार कर दिया। सच्चाई जो भी हो, अपर वोल्टा में सरकार बदल चुकी थी। लमिजाना ने संसद, सरकार और संविधान को भंग कर दिया। उन्हें लगभग हर धड़े का सपोर्ट मिला। इसी सपोर्ट की बदौलत उन्होंने 14 सालों तक सत्ता चलाई। नवंबर 1980 में कर्नल साय ज़ेरबो ने एक रक्तहीन क्रांति में उनका तख्ता पलट कर दिया। दो साल बाद ही ज़ेरबो की कुर्सी भी चली गई। नवंबर 1982 में जॉन बैप्टिस्ट ओड्रोगो अपर वोल्ट के चौथे राष्ट्रपति बने। उन्हें सत्ता दिलाने में दो मिलिट्री अफसरों की अहम भूमिका थी। उनके नाम थे थॉमस संकारा और ब्लेस कॉम्पोर। संकारा और कॉम्पोर दोस्त थे। उनकी पहली मुलाकात मोरक्को में हुई थी। मिलिट्री सरकार अपने तेज तर्रार लड़ाकों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा करती थी। ट्रेनिंग के बाद कॉम्पोर और संकारा लौटकर वतन लौटे। उन्हें आर्मी में बढ़िया पद मिला। दोनों ने मिलकर आर्मी के अंदर एक सीक्रेट टीम बनाई, कम्युनिस्ट ऑफिसर्स ग्रुप। इस ग्रुप ने ओड्रोगो को सत्ता दिलवाई थी। इस मदद का फायदा संकारा को मिला। जनवरी 1983 में उन्हें अपर वोल्टा का प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद ही ओड्रोगो से उनका झगड़ा हो गया। ओड्रोगो ने संकारा को अरेस्ट करवा दिया। थॉमस संकारा युवा अफसरों के बीच खासे लोकप्रिय थे। उनकी गिरफ्तारी हुई थी असंतोष पनपा। कॉम्पोर ने उन्हें भड़काकर ओड्रोगो का तख्तापलट करवा दिया। इस घटना को अपर वोल्टा के इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगस्त क्रांति के बाद संकारा नए राष्ट्रपति बने। उन्होंने सबसे पहले अपने मुल्क का नाम बदला। अपर वोल्टा बदलकर बुर्किना फासो हो गया। इसका हिंदी में मतलब होता है ईमानदार लोगों की धरती। संकारा कम्युनिस्ट थे। उनके ऊपर चेगुवेरा का प्रभाव था। संकारा ने वेस्टर्न पावर्स की बजाय सोवियत संघ का साथ चुना था। उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। दोषियों को कठोर सजा दी जाने लगी। इससे अफसरों का एक धड़ा नाराज हो गया। उन्हें अपने ऐशो आराम पर खतरा नजर आ रहा था। फिर 15 अक्टूबर 1987 की तारीख आई। हथियारबंद सैनिकों का एक दस्ता थॉमस संकारा के दफ्तर में घुसा और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में संकारा समेत 13 लोग मारे गए। हत्या के बाद संकारा की लाश को टुकड़ों में काटा गया, फिर उसे किसी अनजान जगह पर दफना दिया गया। संकारा के परिवार को जो डेथ सर्टिफिकेट मिला, उसमें मौत का कारण नेचुरल डेथ बताया गया था। हत्या वाली बात 1997 में सामने आई। फिर जांच शुरू हुई और बिना किसी नतीजे के उसे बंद कर दिया गया। 2015 में केस दोबारा खुला और एक नया दावा सामने आया। तब कहा गया कि ब्लेस कॉम्पोर भी अपने दोस्त की हत्या में शामिल था। उसी ने संकारा को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। संकारा के बाद सत्ता कॉम्पोर के पास आई। अगले 27 बरस तक बुर्किना फासो में सरकार चलाई। कॉम्पोर ने आजीवन राज चलाने की पूरी व्यवस्था कर ली थी, लेकिन जनता और झेलने के लिए तैयार नहीं थी। सेना भी कॉम्पोर के खिलाफ हो चुकी थी। हार मानकर कॉम्पोर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो भागकर आइवरी कोस्ट चला गया। कॉम्पोर तब से वहीं है। उसे बुर्किना फासो लाने की कोशिश अभी तक सफल नहीं हो पाई है। खैर, कॉम्पोर को भागने के बाद अस्थाई सरकार बनाई गई। मिचेल कफांदो बुर्किना फासो के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। नवंबर 2015 में चुनाव कराने का ऐलान हुआ था, लेकिन उससे दो महीने पहले ही कफांदो का तख्ता पलट हो गया। सितंबर 2015 में कॉम्पोर के वफादारों ने सरकार पलट दी, लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही कफांदो को वापस कुर्सी पर बिठा दिया गया। नवंबर 2015 में चुनाव हुए। इस चुनाव में रोच मार्क क्रिश्चियन कबोरे को जीत मिली। कबोरे 1994 से 1996 तक बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री रह चुके थे। 2020 में कबोरे लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीतने में कामयाब रहे। चुनावी नतीजों से यही पता चलता है कि कबोरे की लोकप्रियता बढ़ रही थी। हालांकि धरातल पर ऐसा नहीं था। कई मोर्चों पर कबोरे विफल साबित हो रहे थे। इससे आम जनता का रोष बढ़ता जा रहा था। इनमें सबसे बड़ा मोर्चा इस्लामिक आतंकियों का था। 2015 तक बुर्किना फासो में शांति बरकरार थी। कबोरे के आने के बाद इस्लामिक आतंकी संगठनों का हमला बढ़ने लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों की वजह से अकेले साल 2021 में बुर्किना फासो में 14 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। इसी दौरान 2000 से अधिक लोगों की मौत हुई। कबोरे पर आरोप लगते हैं कि वे इन हमलों पर रोक लगाने में असफल रहे। जनता शांति की तलाश में थी। फ्रांस ने बुर्किना फासो में अपनी सेना तैनात कर रखी है। इसके बावजूद हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
माना जा रहा है कि कोबोरे अपने लोगों का भरोसा खो चुके थे। सेना ने उसी आक्रोश का फायदा उठाया। 23 जनवरी को कुछ छावनियों में गोलीबारी हुई। सरकार ने तख्तापलट से मना किया। 24 जनवरी को आग प्रेसिडेंशियल पैलेस तक पहुंच गई। कोबोरे ने फेसबुक पर सेना से हथियार रखने की अपील की, हालांकि उनकी अपील काम नहीं आई। मामूली झड़प के बाद कोबोरे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अभी अज्ञात जगह पर रखा गया है। कोबोरे को अरेस्ट करने के बाद सैनिकों का एक दल स्टेट टीवी के दफ्तर पहुंचा। वहां उन्होंने ऐलान किया कि सरकार और संविधान को भंग किया जाता है। अगले आदेश तक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा देश भर में नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कोबोरे के बाद कौन? कोबोरे का तख्तापलट करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सैंडोगो दमीबा को नया राष्ट्रपति घोषित किया गया है। दमीबा को नवंबर 2021 में ही प्रमोशन मिला था। उन्हें बुर्किना फासो की मिलिट्री के 3 कमांड्स में से एक का मुखिया बनाया गया था। दमीबा पूर्व राष्ट्रपति ब्लेस कोम्पोर की सुरक्षा में भी तैनात रहे। कोम्पोर की अलीट फोर्स को बाद में भंग कर दिया गया था, लेकिन दमीबा का रुतबे में कोई कमी नहीं आई। कोबोरे सरकार में उन्हें आगे बढ़ाना जारी रखा। जानकारों का कहना है कि दमीबा के विद्रोह की एक वजह कोम्पोर के प्रति वफादारी भी हो सकती है। हालांकि दमीबा ने कोबोरे पर आरोप लगाया कि तख्तापलट की एक वजह वो खुद हैं। कोबोरे ने देश को एकजुट करने की बजाय बांट दिया। इसी वजह से इस्लामिक आतंकी लगातार देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बुर्किना फासो की सत्ता से कोबोरे के जाने का मतलब लोकतंत्र का पतन है। इसके बावजूद आम जनता इस तख्तापलट से खुश है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सेना कोबोरे से बेहतर विकल्प है। इसका एक नज़ारा बुर्किना फासो की राजधानी में भी देखने को मिला, जब तख्तापलट के बाद भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। उल्टा लोग सेना के समर्थन में रैली में जमा हुए। उन्होंने सैनिकों से हाथ मिलाया और कोबोरे के जाने का जश्न भी मनाया। अफ्रीकी महाद्वीप में तख्तापलट की पुरानी परंपरा रही है। अधिकतर मामलों में सेना ही असंतोष का फायदा उठाती है। जोनाथन पॉवेल और क्लेटन थाइन की रिसर्च के अनुसार 1950 के बाद से अब तक अफ्रीका में 200 से अधिक तख्तापलट हो चुके हैं। बुर्किना फासो में कुल 8 तख्तापलट हो चुके हैं। इनमें से 7 सफल रहे। 1980 के दशक के बाद से तख्तापलट के मामले में कमी आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साल 2021 में माली, गिनी, चाड और सूडान में तख्तापलट सफल हुआ। सूडान में अपवाद ये हुआ कि लोग वहां सैन्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे। वहां आज भी लोकतंत्र के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में आम लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। इसकी कई वजहें हैं, मसलन लोकतंत्र में घटता विश्वास, भ्रष्टाचार, गरीबी, सरकारों की वादा खिलाफी आदि। यूनाइटेड नेशंस और इकोवास समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों ने इस तख्तापलट की आलोचना की है। उन्होंने राष्ट्रपति कोबोरे को रिहा करने की मांग की है। हालांकि इस आलोचना या अपील का कोई असर होने की संभावना बेहद कम है। जिम्मेदार संस्थाओं को असली वजहों पर चोट करने की जरूरत है, वरना ये क्रम जारी रहेगा। बुर्किना फासो की घटना एक उदाहरण भर है। अगर इससे सीख नहीं ली गई तो आगे भी ऐसे ही सत्ता परिवर्तन होते रहेंगे। उस समय हमें कतई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी रूस यूक्रेन संकट से जुड़ी है। कल के दुनियादारी में हमने आपको बताया था कि अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालना शुरू कर दिया है। नाटो ने ईस्टर्न यूरोप में घेराबंदी बढ़ा दी है। कई देश यूक्रेन को सैन्य सहायता भी भेज रहे हैं। रूस ने इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। इस मामले में नया क्या हो रहा है? फिलहाल अमेरिका ने अपने 8,500 सैनिकों को अलर्ट पर रखा है। 24 जनवरी को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और पोलैंड के नेताओं ने वीडियो कॉल पर बात की। इस मीटिंग में नाटो के मुखिया जेंस स्टोलेनबर्ग भी शामिल हुए। इसमें रूस के हमले की स्थिति में आम सहमति बनाने पर चर्चा हुई। इस बीच पेरिस में 26 जनवरी को रूस, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस के प्रतिनिधि मुलाकात के लिए राजी हो गए हैं। इनमें तनाव कम करने पर चर्चा होगी। इससे हालात सुधरने की संभावना कम ही लगती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के 6,000 से अधिक सैनिकों ने यूक्रेन बॉर्डर के पास युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। आज की और दुनियादारी बस यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया, शुभरात्रि।